एवरीबडी, यहाँ पर ना मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी तो सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा मॉर्निंग नहीं, 8 बजे निकलती हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। हाय, गुड मॉर्निंग। हो गई आपकी नींद पूरी? मामा मैं सोया ही नहीं आपकी नानी के पास। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी मैं जस्ट वॉक से आई हूँ, अच्छी वॉक हुई मेरी, अराउंड 55 मिनट्स के अप्रॉक्स वॉक की मैंने। और मतलब मैं बहुत जल्दी नहीं जाती हूँ, वही टिमटिम को स्कूल भेज के 8 बजे उसके बाद जाती हूँ। सर, टिमटिम को मैंने आज ना टिफिन में दिया था पराठा, और आलू को सिर्फ घी और जीरे में फ्राई करके, बॉइल्ड आलू को, तो ये अभी वही खा रहा है। मैं एक्चुअली नीचे से आई तो ये मुझे बोलने लगा मम्मा यमिया, मतलब मुझे कुछ खाने को दो, तो वो रखा हुआ था आलू फ्रेश बना हुआ, तो मैंने भी वही दिया। बिल्कुल भी मसाला नहीं, सॉल्ट एकदम थोड़ा सा डाला है, जैसे उपवास वगैरह में खाते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा। और कल तो फास्ट है ही, कल शिवरात्रि है। ये व्लॉग नहीं पता कब जाएगा, मे बी शायद नेक्स्ट वीक जाए। हाँ। सो बस मैं अभी हम लोगों के लिए बनाने वाली हूँ वर्मिसली, जो नमकीन सेवई होती है ना, वो बहुत टाइम हो गया यार बनाए को। मैं एक्चुअली आज सुबह ही सोच रही थी क्या बनाऊँगी, क्योंकि पराठा नहीं खाना मुझे सुबह सुबह, पोहे कल ही खाए थे। बस मैं आज भी खा सकती हूँ पोहे, बट सोचा कि वो वर्मिसली का पैकेट रखा है तो आज ढेर सारी सब्जियाँ डाल करके वर्मिसली बनाते हैं। एंड मैंने कुछ साड़ियाँ दी थी रेडी होने को, उनके ब्लाउजेस भी आए रेडी होके, तो मैं आपको आज थोड़े टाइम बाद जब ये महाराज कहीं और बिजी होंगे तब दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैंने एक जगह कैमरा रखा ना तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, है ना बाबू? हाँ। हाय, चलिए मैं चलती हूँ किचन में। चाय मैंने अभी नहीं पी सुबह से, सोच रही हूँ सुबह की चाय स्किप करने को, बट मुझे ना मतलब वॉक से आने के बाद चाय पीने का इतना मन करता है ना, क्या बताऊँ। देखती हूँ, जाती हूँ, बना लेती हूँ थोड़ी। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ में ना राम का फेवरेट ये सिपर बॉटल के बारे में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारी मदर्स हैं जो मेरा वीडियो देखती हैं, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम सबको अपने बच्चों के लिए अच्छा सिपर वाटर बॉटल की जरूरत होती है। सो मैं राम के लिए बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ लैब का हैप्पी हिप्पो हार्ट स्पाउट सिपर, जो कि BPA फ्री नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना है, एंड इसमें कि आपको ये डस्ट कैप मिलती है, जो कि जिसको कि आप नॉर्मल कैप भी बोल सकते हैं। एंड इसमें जो ये स्पाउट है ना, ये सिलिकॉन का बना हुआ है, हार्ड स्पाउट है। सो ऐसा हार्ड स्पाउट होने से क्या होता है, बेबी के लिए काफी इजी हो जाता है वाटर को सक करना और वाटर को पीना। तो इसकी जो डिजाइन है ना, वो भी कुछ ऐसी है, ये अगर आप देखेंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से इसको ग्रिप कर सकता है, बहुत अच्छे से इसको होल्ड कर सकता है, और इंडिपेंडेंटली वाटर इनटेक कर सकता है, वाटर पी सकता है। एंड इसके डिजाइन कुछ ऐसी है कि ये कम्प्लीटली लीक प्रूफ है। ये देखिए, मैंने ये कैप नहीं लगाया है ऊपर का, बट फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है इसमें से। एंड अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं ना, तो इंटरनली इसका कुछ इस तरीके से ये सिलिकॉन के ये रबर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली लीक प्रूफ है, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका जो साइज शेप वगैरह है ना, वो ट्रैवल करने के लिए भी बहुत ही सही है, आप अपने हैंडबैग में रख सकते हैं, बच्चा इजीली अपने आप से विदाउट एनी मेस अपने आप से इसमें पानी पी सकता है। और इस बॉटल की खासियत पता क्या है कि ये जो बॉटल है ना, ये इन्फेंट से लेके टोडलर्स तक सब यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप आराम से इसको अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज जैसे ही बच्चा बैठने लग जाता है वो इंडिपेंडेंटली इसको होल्ड करके इससे वाटर या फिर जो भी लिक्विड आप देना चाहते हैं वो पी सकता है। इस बॉटल का हर एक पार्ट आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं, एंड इवन ये डिशवॉश फ्रेंडली भी है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। और इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे पता क्या लगी, इसमें ना टच फ्लो वॉल्व है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो वॉल्व है ये है टच फ्लो वॉल्व, जिसका ये काम होता है कि जैसे ही बच्चे इसे अपने माउथ में लगाते हैं तो इस वॉल्व से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा इसे छोड़ता है ये वॉल्व जो है वो इमीडिएटली लॉक कर देता है पानी को, तो पानी स्पिल होने का, गिरने का बिल्कुल डर नहीं रहता। ये चीज मुझे इस सिपर की बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं तो राम आई थिंक 1 ईयर का भी नहीं हुआ था तब से ये जो पर्टिकुलर सिपर है इसको यूज करती हूँ। उसके लिए राम का जो डायपर बैग है उसमें हमेशा हम इसको ही कैरी करते हैं, बिकॉज वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है इससे वाटर लेने में, वाटर पीने में। तो मैं इसकी जो बाइंग लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना, अगर आपको भी आपकी बेबी के लिए ये लेना होगा तो आई एम श्योर आपको भी ये जरूर अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे व्लॉग एंजॉय करते हैं।
किचन में आ गई हूँ मैं। और अब मतलब मोस्टली मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि ना नाश्ता बनाते टाइम ही लंच की थोड़ी तैयारी कर दूँ। एंड स्पेशली जिस दिन मेरे को मैंने ऐसा सोचा होता है कि आज मैं कुछ शूट करूँगी, उस दिन तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना ब्रेकफास्ट बनाते बनाते जैसे दाल बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, ताकि उस चीज़ का हेडेक नहीं रहता मुझे बाद में। और सैलड का भी जो भी आइटम होता है ना, वो मैं सुबह सुबह ही अपने फ्रिज से निकाल देती हूँ कि मतलब जब खाना है तब तक कि वो अच्छे मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में हो जाए। तो इसलिए मैंने सैलड का आइटम भी निकाल दिया था। तो मैं वर्मिसली बना रही थी, तो वर्मिसली में ना ऑलमोस्ट जितनी सब्जियां डाल सकती थी जो डलती हैं एक्चुअल में वो डाले मैंने। एंड लहसुन भी निकाला था कि लहसुन डालूंगी, मेरी मम्मी डालती हैं एक्चुअली लहसुन। फिर मुझे लगा अभी लहसुन कौन छीलेगा यार, छोड़ो लहसुन रख देते, तो लहसुन नहीं डाला मैंने। बाकी की सब्जियों को मैंने चॉप करके डाल दिया। एंड आलू जनरली नहीं, मतलब उतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता आलू डालना इसमें, बट क्योंकि राम खाता है आलू तो इसलिए मैं हर चीज़ में ही थोड़ा थोड़ा आलू डाल देती हूँ कि वो खा रहे थे। और ये शायद फर्स्ट टाइम था कि उसने थोड़ा मन से खाया वर्मिसली। तो मैं वैसे मेरे घर ये इस बार बहुत दिनों बाद बनी थी ये नमकीन सेवैयाँ, मैं पहले बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती थी, बट मुझे लगता है इस बार ही 8 9 महीने हो गए होंगे शायद मैंने बनाया ही नहीं था। बस पैकेट न्यू इस बार ही राशन में ला के रखा था, या शायद इसके पहले बारी तो वो रखा हुआ था पैकेट। सो आई थॉट कि चलो इस बार आज ये बना लेते हैं। तो राम ने इस बार थोड़ा सा मन से खाया, ऐसा लगा मुझे कि शायद उसे अच्छा लगा। और ये मटर ना मैं एक दिन पहले ही लेकर आई थी, तो अभी छील के नहीं रखा था। जनरली मैं हमेशा छील करके फिर फ्रिज में रखती हूँ, ऐसे एज इट इज़ कभी फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि एक तो स्पेस बहुत लेता है प्लस ख़राब हो जाता है अगर बिना छिले रखो तो। लेकिन ये जो मटर है ना, ये मैं एक दिन पहले ही लाई थी, तो टाइम ही नहीं मिला था यार कि मैं छीलूँ और फिर रखूँ। और जनरली टीवी देखते देखते नाइट टाइम पर मैं प्रेफर करती हूँ इसको छील के रखना, और हस्बैंड भी मेरा हेल्प करते हैं, मतलब हम दोनों मिल करके जब ज़्यादा मटर होते हैं ना तो छील के रात में और फिर रख देते हैं फ्रिज में ताकि आराम से चलता रहे। सो बस फटाफट सारी सब्जियाँ चॉप कर ली मैंने। एंड पता नहीं पता क्यों मतलब मैं ना चॉपिंग बोर्ड यूज़ ही नहीं करती, मेरे पास जो वुडन चॉपिंग बोर्ड था ना वो भी मैंने ऊपर रखवा दिया लाफ्ट में, क्योंकि वो इधर उधर भटक रहा था किचन में और वो यूज़ में ही नहीं आ रहा था। मैं जनरली ऐसे ही चॉपिंग करती हूँ जो आपको दिख रहा है ना, वो ऐसे रख के खट 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 वाली चॉपिंग नहीं करती हूँ मैं। वैसे वो ईजी होती है, बट या तो फिर शायद मेरे इलेक्ट्रिक चॉपर की वजह से मुझे उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब अब ज़रूरत पड़ना अब कम हो गई, मैंने वो चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना ही बंद कर दिया, रख दिया मैंने उसे लाफ्ट पर चढ़ा करके, और अभी ऐसे ही चॉपिंग करती हूँ तो ईजी हो जाता है काफ़ी। फटाफट सारी सब्जियाँ एक साथ काट ली, बस प्याज मैंने थोड़ा अलग रखा, क्योंकि प्याज को हम पहले हल्का सा भूनते हैं फिर उसके बाद बाकी सारी सब्जियाँ डालते हैं। तो मैं बहुत ही क्विकली रेसिपी दिखा दे रही हूँ, मैंने 2 मिर्ची बस बीच से हल्की हल्की स्लिट करी है और डाली है ताकि वो टूट के गलती से इसमें मिल ना जाए, नहीं तो राम के मुँह में चली गई तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाएगी। तो 2 मिर्च डाली है और उसमें डाल दिया है प्याज, सारी सब्जियाँ रखी हैं, बीच का मैंने शूट नहीं किया। और मैंने यहाँ पे रोस्टेड वर्मिसली ली है। फिर मैंने पता क्या क्या, सारी सब्जियाँ कुक कर ली, एक तरफ मैंने दाल भी बनने रख दिया है। कुक सब्जियाँ कुक करने के बाद में ना जितनी वर्मिसली थी उसका डबल पानी डाल दो, और फिर उसके बाद उसको अच्छे से उबलने दो, नमक हल्दी वगैरह तो डालना ही है। जैसे ही उबलने लगे ना तो वर्मिसली आप उसमें डाल दो और फिर उसको ढक दो। ये है एक बहुत ही क्विक और ईजी तरीका इसको बनाने का। नहीं तो मैं जनरली पहले वैसे बनाती थी कि बॉईल करके छान के रख लेती थी और फिर मसाला रेडी करके बॉईल की हुई वर्मिसली उसमें डाल देती थी, बट अब मैंने ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये क्या होता है, काफ़ी क्विक होता है, वो अलग से उबालो छानो से ज़्यादा बेटर है कि एक बार ही बना रहे हैं तो इस तरीके से बना लो। बस ये है कि डबल पानी रखना है और बस बन जाता है हमारा ये। और इसको थोड़ी देर गैस बंद करने के बाद भी ना छोड़ दो गैस पे, तो वो हल्के हल्के ना भाप में अपने आप एकदम खिल सा जाता है। सो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। एंड बिल्कुल तीखा नहीं बनाया था मैंने, बिल्कुल नॉर्मल सा बनाया था। एंड ये है मेरे नाश्ते की प्लेट विथ 2 ग्रीन चिलीज़। मुझे हरी मिर्ची खाना बहुत अच्छा लगता है, तो यस ये है मेरा नाश्ता। अब मैं जा रही हूँ इसे इंजॉय करने। अभी मैं एक्चुअली अपना एक अमेज़ॉन का वीडियो शूट करने बैठी हूँ, नाश्ता वगैरह कर लिया, फटाफट नहाया नहाया और जो दूसरे थोड़े बहुत किचन के काम थे, इवन मैंने डिनर बोल रही हूँ, लंच भी बहुत हद तक के प्रिपेयर कर दिया है, सिर्फ मुझे अब राइस बनाना है, बाकी सब कुछ रेडी कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी वीडियोज शूट करने थे। और तो जैसे ही मैं वीडियो शूट करने बैठी ना वैसे राम फिर इरीटेट होने लग गया सोने के लिए,
मतलब मैं अपना काम नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। और फिर ऐसे में क्या होता है, बहुत इरिटेशन होती है कि एक तो इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के सब कुछ मैनेज किया जल्दी जल्दी कि आराम से बैठ के अपना काम करूँगी, और उस पर फिर बच्चा रोने लग जाए कि अब मुझे सुला दो, बल्कि वो इस टाइम पर सोता भी नहीं है, तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है। बड़ी मुश्किल से सब मैनेज किया है, अब बैठी हूँ जल्दी से वो अमेजोन कुर्ती हॉल है वो कर लेती हूँ शूट। ये जो हॉल है ये इस व्लॉग के पहले ही आ जाएगा, सो मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है, तो चलो जल्दी से पहले वो कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा है ये जो भी मुझे जिन चीज़ों का वीडियो बनाना है ना वो। किचन में आ गई हूँ वापस से, आधा लंच बनाया था एक्चुअली, काफ़ी बोरिंग लग रहा था सब कुछ। लौकी की सब्जी बनाई दिखाती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत हेल्दी है, बट मुझे लगा कुछ और टेस्टी सा हो तो मज़ा आ जाए। पकौड़े बहुत ऑयली हो जाते तो मैं ना तवे पर बना रही हूँ, दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। हाँ एक मिनट, सो यहाँ देखिए मैंने ना मेथी का बैटर रेडी कर लिया, मेथी के पकौड़ों का बैटर जैसा होता है ना वैसा। बेसन इसमें बस कम है, बाकी सारे मसाले जो भी हम पकौड़े में डालते हैं ना वो करा है मैंने। अब इसको मैं तवे पर इस तरीके से सेक रही हूँ सरसों तेल डाल के, इससे क्या होगा ऑयल भी कम लगेगा प्लस टेस्ट बहुत ही सही वाला आएगा। धीमी आंच में कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए ना, तो ये बिल्कुल लेस ऑयल वाले पकौड़े बोल सकते हैं आप, चीला भी बोल सकते हैं इसे, जो बोलना है बोल सकते हैं। मैं तो दाल चावल के साथ में अपनी ये हेलो, मैंने बोला था ना कि मैं आपको कुछ मैंने कुछ ब्लाउजेज रेडी कराए वो दिखाऊंगी, तो ये मैं मतलब इसमें सारी साड़ियाँ प्लस ब्लाउजेज जो मैंने अभी रिसेंटली दी थी फॉल पिको प्लस ब्लाउज रेडी करने को। देखो मेरा एक ऐसा रूल है कि मैं ना हर साड़ी के ब्लाउजेज रेडी नहीं कराती हूँ, इनमें से बहुत सी साड़ीज आपने देखी होंगी ऑलरेडी या शायद ऑलमोस्ट सारी देखी होगी, क्योंकि सबके मैं वीडियोज़ बना चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगा था वापस से कुछ कुछ फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मुझे इन साड़ियों को भी रेडी करा लेना चाहिए अपने लिए, इनको पहनने के लिए। और मोस्टली मिक्स एंड मैच करके ही पहनती हूँ मैं साड़ियाँ, तो ब्लाउजेज मैंने सारे रेडी नहीं करा। जैसे कि आप देखेंगे तो ये सारे ब्लाउज पीसेस मैंने अभी ऐसे ही रख दिए हैं, ये मैं नहीं कराऊंगी। एक तो ये साड़ी दी थी मैंने रेडी होने को, इस पर तो मैंने वीडियो बनाया था कितनी सुंदर है, मैं बस वेट कर रही हूँ इसको कब पहनूंगी। एक्चुअली एक फेस्टिवल आने वाला है उसमें मैं ये पहनने वाली हूँ, तो इसका मैंने ब्लाउज बहुत सुंदर बनवाया, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, बट मैंने इस पर अपना ग्रीन ब्लाउज पहना था, वो एक एवरग्रीन सा सिलवाया है ना जो वो, बट इसका जो एक्चुअल ब्लाउज पीस है उसका मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ पहले। ये देखिए ये, मतलब मैं जनरली ना बिल्कुल भी डिजाइन वाले ब्लाउजेस नहीं पहनती, मुझे पसंद ही नहीं है डिजाइन वाले, मुझे सिंपल सिंपल से ब्लाउजेस अच्छे लगते हैं, मोस्टली वो कट कट वाले वो सब मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं वैसे बनवाती ही नहीं हूँ। अभी आजकल मुझे नहीं पता कि पफ स्लीव्स बहुत अच्छा लगने लगे, ऐसा लगता है वो शायद मेरी बॉडी टाइप को कॉम्प्लीमेंट करता है जो पफ स्लीव्स वाले ब्लाउजेस होते हैं ना वो, तो अगेन ये वाला भी मैंने पफ बनवाया, लेकिन मैंने अभी तक के जितने 3 या 4 पफ वाले ब्लाउजेस बनवाए हैं सारे ही पफ जो है ना वो डिफरेंट पैटर्न के हैं, सारे एक से नहीं, क्योंकि अगर आप पफ डिजाइन भी देखने जाओगे ना तो आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे पफ ब्लाउजेस में। सो ये वाला कुछ ऐसा ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे जब मैं ये पहनूंगी ना तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से है, कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर है एक्चुअली ये ब्लाउज। एंड मैंने बैग से इसको पूरा ऐसा बनवाया है, ये बैक है, नीचे एक्चुअली इतना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है मतलब ब्लाउज, बट पीछे से पूरा ऐसा zigzag वाला आता है, काफी सुंदर लग रहा था पहनने के बाद में, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पहनने के लिए। मतलब ये ब्लाउज और ये साड़ी इतना सुंदर है, आई थिंक मेरे पास इस कलर की साड़ी नहीं है, शायद नहीं है। सो ये था फर्स्ट, देन ये कुछ और ब्लाउज पीसेस है जो मैंने रेडी नहीं करवाए, एक है ये वाइट, ये वाइट बहुत सुंदर है, बट मेरे पास ऑलरेडी 2-3 वाइट ब्लाउजेस हैं, सो मैंने सोचा क्यों फालतू में पैसे लगाऊं मैं ब्लाउज सिलवाने में। देन ये एक और बहुत ही हैवी सा वाइट ब्लाउज पीस है, मैं साड़ी दिखाऊंगी, साड़ी मैं पहन चुकी हूँ ऑलरेडी, बट ब्लाउज पीस रखा हुआ था, ये सारे ब्लाउज पीसेस ऐसे ही हैं। फिर पता है मेरे पास में ये एक ब्लाउज पीस रखा था और मुझे ऐसा लगा इसका जो कलर है ना ये बहुत ही ऐसा
मल्टीपल साड़ीज में जाएगा, चाहे मैं मुझे लगता है किसी भी कलर की साड़ी पे ये जो ब्लाउज है ना ये जाएगा। और ये कौन सी साड़ी किसी साड़ी के साथ आया था, तो वो साड़ी रेडी करा ली थी मैंने, बट ये ब्लाउज पीस मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर एक दिन मुझे दिखा तो मुझे लगा कि मुझे इसका ना एक स्लीवलेस सिलवा लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कलर की साड़ी पे चला जाएगा। तो मैंने इसको स्लीवलेस बहुत ही छोटे नेक का फ्रंट एंड बैक, बैक से भी एकदम छोटा नेक है एंड बैक में मैंने इस तरीके से बड़ा सा होल सर्कल बनवाया है। और ये ब्लाउज का लेंथ बहुत अच्छा है, इतना आ रहा है, तो इसको एज क्रॉप टॉप भी वेयर कर सकते हैं किसी भी स्कर्ट वगैरह के ऊपर। इसका लेंथ अच्छा खासा बड़ा सा बना है। सो एक्चुअली ये लाइट की वजह से बहुत चमचमकता हुआ दिख रहा है, लाइट बंद करके नेचुरल लाइट में अगर आप देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से है ना। मतलब बहुत सारी, चाहे मैं ब्लैक पहनू, रेड पहनू, येलो पहनू, ब्लू पहनू, किसी भी कलर की साड़ी पर ये जो ब्लाउज है ना ये चल जाएगा। सो ये मैंने एक रेडी कराया है, फिर ये मैंने एक पिंक रेडी कराया। इसकी साड़ी मैंने बहुत पहले दिखाई थी, अभी कुछ टाइम बाद इस पर एक मेकअप शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ में। कॉटन की साड़ी है, सो ये भी मैं रिसेंटली एक फेस्टिवल आने वाला है उसमें पहनूंगी। सिंपल सिला है, कॉटन की जो साड़ियाँ होती है ना, एक मिनट मैं ये पर्दा लगा देती हूँ। यस, कॉटन की जो साड़ियाँ होती है ना उन पे बिल्कुल सिंपल ब्लाउजेस ही अच्छे लगते हैं। ये मेरे पास में एक साड़ी थी, इसका मैंने अगेन मैंने बोला ना पफ में आजकल बहुत प्यार हो गया है मुझे पफ स्लीव्स वाले ब्लाउजेस से, बट अगेन ये जो पफ है ना ये भी डिफरेंट है बाकी सारे पफ से, ये कुछ ऐसा है। और ये पहनने पर इतना सुंदर लग रहा है ना, ये जो साड़ी है ये ना रेड एंड क्रीम कलर में है, वो जो थोड़ा सा मतलब सिल्क की है, वो थोड़ा सा बंगाली वाला जो पैटर्न होता है ना वैसा है। सो ये ब्लाउज मैंने ऐसा सिलवाया है, बिल्कुल सिंपल, अगेन सामने से आप देखेंगे तो ऐसा, बैक से भी बहुत ही सिंपल सा एंड पफ इसका बहुत प्यारा आ रहा है। और इसकी जो साड़ी है वो दिखाती हूँ आपको, ये वाली है इसकी साड़ी, सिल्क की है व्हाइट एंड रेड में, ये वाली साड़ी है, ये पैठनी वाला प्रिंट है इसमें पूरा यहाँ पर। सो बहुत ही सुंदर लगेगा। एक्चुअली मैंने एक एक्ट्रेस को देखा था इस तरीके की साड़ी में, उसने बिल्कुल यही वाला स्टाइल का ब्लाउज पहना था, इसी तरीके से पफ था और बहुत ही सुंदर लग रही थी वो, तो मुझे लगा मैं ऐसा एक सिलवा लेती हूँ। तो इस साड़ी का है ये, जो देखता है ना उसको बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी। सो कलर एक्चुअली इसका बहुत डिफरेंट है, इस लाइट में ऐसा दिख रहा है एंड नेचुरल लाइट में ऐसा दिख रहा है, तो मेटालिक टाइप का कलर है ये। इस साड़ी का जो ब्लाउज पीस था, बार बार यही कर रही हूँ ना, इस साड़ी के ब्लाउज पीस को मैंने बहुत ही सिंपल सिलवाया है, इतना सुंदर लग रहा था ना ये पहनने के बाद में, बैक से बिल्कुल छोटा एंड फ्रंट से थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा और डीप हो जाता तो भी अच्छा लगता बट ठीक है फिलहाल भी। एंड स्लीव्स मैंने इसके थोड़े बड़े, एल्बो स्लीव्स मुझे वही अच्छे लगते हैं अभी के टाइम पर। एंड ये ब्लाउज बहुत ही, मतलब ये जो डिज़ाइन है ना आप देखना, स्पेशली सिल्क की अगर साड़ी है थोड़ी सी, सो बैक आप एकदम छोटा रखें एंड फ्रंट से थोड़ा सा ऐसा डीप इस तरीके से, बहुत प्यारा लुक आता है। तो ये ब्लाउज मैंने ऐसा सिलवाया है एंड ये साड़ी पहनने का अभी दूर दूर तक के कोई प्लान नहीं है मेरा। एक्चुअली पता, मैंने ना इस साड़ी के लिए ये एक अलग से ब्लाउज पीस खरीदा था, ये कौन सा ब्रोकेट का, ये देखेंगे अगर आप, तो इसमें मैं पिंक भी ऐड कराने वाली हूँ ब्रोकेट का कपड़ा, बट अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज थी इसलिए मैंने बोला अभी इसी के ब्लाउज को रेडी कर दो, थोड़े टाइम बाद में भी आफ्टर 1 or 2 months मैं इसके साथ में पिंक जो एकदम रानी पिंक होता है ना उस कलर के ब्रोकेट के कपड़े को, दोनों को मिक्स करके ब्लाउज बनवाऊंगी इस साड़ी के लिए। अगेन वो भी मल्टीपर्पज होगा बट इसके साथ में बहुत अच्छा लगेगा। अभी ब्लाउजेस तो इतने थे, मैं साड़ियाँ दिखा देती हूँ, मोस्टली सारी साड़ियाँ आपने देखी और आप बोलोगे प्रीति तो इतने टाइम से बिना रेडी की हुई। एक्चुअली क्या, मैं वीडियोस के लिए ही मोस्टली उन्हें पहनती थी, मैं पहन के मैं रख दे रही थी, कहीं बाहर जा नहीं रही थी तो बिना रेडी की हुई ही रखी थी और उनको मैं पहन के यूज़ कर लेती थी। पहली है ये मेरी बहुत ही सुंदर वाइट साड़ी, ये मैंने लास्ट टाइम जब राम होने वाला था, मैं प्रेगनेंट थी, 5 month प्रेगनेंट थी, 4-5 month प्रेगनेंट थी दिवाली के टाइम पर 2021 में,
तब मैंने इसको आखिरी बारी पहना था, तब से ही बस रखी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं रेडी करा लेती हूँ, किसी दिन पहनूंगी। बहुत ही सुंदर सी है ये वाइट साड़ी, इसकी लिंक नहीं मिल पाएगी बिकॉज ये मुझे जोमसो ब्रांड ने भेजा था, बट अभी मेरे पास फिलहाल लिंक नहीं है। वीडियो जो मैंने इसका किया होगा उसमें होगी शायद, बट मैं नहीं ढूंढ सकती, बहुत मेहनत लगेगी ढूंढने में। देन दूसरी मेरी ये केरला वाली साड़ी, इसको मैं बहुत बार वीडियोस के लिए पहना है मैंने, बट इसमें फॉल पिको कुछ भी नहीं हुआ था, तो इस बार मैंने फॉल पिको भी करा लिया कि अगर कहीं बाहर पहन के जाना रहा तो उसके लिए। फिर मैंने मेरी ये एक ऑर्गेंजा की साड़ी, मुझे ऑर्गेंजा नहीं पता क्यों पहनने का मन ही नहीं करता, मेरे पास दो तीन रखी हुई है बट इनको ना मैनेज करना इतना मुश्किल होता है ना, तो एक पिंक है, दो थोड़े से ऐसे सी ब्लू टाइप के कलर की है और एक ये है, तो इसको सोचा अभी फिलहाल रेडी करा लेती हूँ क्योंकि इसके साथ में ब्लाउज मुझे अलग से नहीं बनवाना पड़ता। इसका जो ब्लाउज है ना वाइट है, जो मैंने अभी दिखाया था, तो ये वाइट ब्लाउज पे चल जाता है, तो जो अभी फिलहाल रेडी करा लेते, किसी दिन ऐसे ही किसी जैसे नॉर्मल ओकेजन पे पहनना रहा तो उसके लिए ठीक है ये साड़ी। ठीक है, फिर ये वाली जो साड़ी है ये आपने शायद नहीं देखी होगी, ये भी मुझे फ्लिपकार्ट से कोलैबोरेशन के टाइम पर, सतरानी एक ब्रांड है साड़ियों का, उससे आया था, सो ये बस रखा ही हुआ था तो मैंने इसको भी रेडी करवा लिया। इसके साथ अगेन मैं कॉन्ट्रास्ट ही पहनने वाली हूँ, ब्लाउज पिंक ग्रीन येलो, बहुत सारे ब्लाउजेस इसमें चल जाएंगे, सो मैंने बस इसको फॉल पी को करवा लिया कि अभी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल अच्छा वाला जो शिफॉन होता है ना उस मटेरियल की है ये साड़ी। फिर ये तो आपने देखी है, अभी रिसेंटली मैंने अमेजोन की शेयर की थी आपके साथ में, इसमें फॉल पिको करा लिया किसी भी फेस्टिवल में पहनने के लिए, बड़ी सुंदर साड़ी है, इसमें कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं अवेलेबल है। फिर ये अगेन मैंने अमेजोन से लिया था, मैं सोच रही थी इसकी हाफ साड़ी बनवा लेते हूँ, जो साउथ इंडियन हाफ साड़ी होती है ना वो, बट मैं सोचा अभी थोड़ा वेट लॉस होगा तब बनवाऊंगी, अभी फिलहाल नहीं बनवाऊंगी, तो अभी तो मैंने इसको रेडी करवा लिया है। ये मुझे साड़ी बहुत ही रॉयल लगती है, मतलब इस तरीके की पिंक ब्लाउज है मेरे पास में, इसलिए इसका ब्लाउज भी रेडी नहीं कराया मैंने, इसको अच्छे से पहनो, इसके साथ में गोल्डन ज्वेलरी वेयर करो, बहुत क्लासी लुक आएगा। सो ये एक साड़ी ये रेडी करा ली मैंने, तो इतने कपड़े थे जो मैंने अभी हाल फिलहाल रेडी कराए हैं, कुछ कैंसिल करवा दिए, ये वाला भी मैंने कैंसिल किया है, इसमें भी मैंने एक्चुअली सोचा था कि दो कपड़े मिक्स करके बनवाऊंगी, लाइक यहाँ फ्रंट के पार्ट में एक दूसरा कपड़ा रहेगा और इसका बॉडी मतलब स्लीव्स ये वाला पोर्शन और बैक पोर्शन इस कपड़े का बनेगा, बट इसको भी अभी होल्ड पे रखा है, थोड़ा टाइम बाद बनवाऊंगी। तो ये थी कुछ चीज़ें, एक्चुअली अभी क्या है राम सो रहा है इसलिए मैं बहुत ही आराम से ये वीडियो कर पाई, एंड इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एंड बाय बाय।